हे दोस्तों, आप सब तो स्वामी विवेकानंद के बारे में जानते ही होंगे, पर आज मैं आपको सिस्टर निवेदिता के बारे में बताने जा रहा हूँ। सिस्टर निवेदिता का पूरा नाम मार्गरेट एलिजाबेथ नोबेल था। निवेदिता का जन्म आयरलैंड में हुआ था। इनके फादर का कहना था, मानव सेवा ही ईश्वर सेवा है। निवेदिता ने अपना एजुकेशन 17 ईयर्स में ही कंप्लीट कर लिया था। निवेदिता का रिलीजन के बारे में जानने की बहुत जिज्ञासा थी। सत्य की खोज करते हुए उन्हें स्वामी विवेकानंद के बारे में पता चला। उन दिनों स्वामी विवेकानंद वेदांत के प्रचार के लिए हुए थे। तब सिस्टर निवेदिता ने उनके पूरे स्पीच सुनी और निवेदिता उनसे बहुत प्रभावित हुई। वो इतनी प्रभावित हुई कि उन्होंने अपना पूरा जीवन सत्य की खोज और सेवा के लिए दे दिया और भारत आईं। स्वामी विवेकानंद ने अपने स्पीच में कहा था, मुझे सभी से आशा नहीं है, मुझे कुछ चुने हुए 20 लोग चाहिए जो अपना पूरा जीवन संसार सेवा में दे सकें। अगले दिन सुबह निवेदिता स्वामी विवेकानंद के पास गई तो विवेकानंद ने उनसे कहा, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? निवेदिता ने कहा, स्वामी जी, आपने कल 20 लोगों की बात की थी, 19 लोगों का तो पता नहीं, पर एक मैं हूँ। स्वामी जी का मानना था कि महिलाओं में जागृति और आत्मविश्वास का विकास शिक्षा के द्वारा ही हो सकता है। स्वामी जी एक ऐसे व्यक्ति की खोज में थे जो भारतीय महिलाओं को जागृत करके उनमें राष्ट्रीय चेतना की भावना विकसित कर सके। विवेकानंद को मार्गरेट में इन गुणों का एब्जॉर्प्शन दिखाई दिया जिनकी उनको तलाश थी। मार्गरेट 1896 में भारत आईं। 25 मार्च 1898 को स्वामी जी ने मार्गरेट एलिजाबेथ नोबेल का नाम सिस्टर निवेदिता रखा। इसके बाद निवेदिता सामाजिक कामों में जुट गई। सिस्टर निवेदिता स्वामी विवेकानंद के साथ कई जगह गई और कई लोगों की मदद की। उन दिनों भारत आज़ाद नहीं हुआ था तो सिस्टर निवेदिता स्वतंत्र आंदोलन में भाग लेने लगी और वो रामकृष्ण मिशन से भी जुड़ी रही। उनकी इच्छा थी कि पूरा भारत एजुकेटेड हो। उनका यह भी कहना था कि भारत को पुनः अपनी पहचान पाने के लिए भारतीय कला को जीवित करना होगा। वो भारतीय महिलाओं का बहुत सपोर्ट करती थी और वो चाहती थी कि भारतीय लेडीज बेटर एजुकेशन प्राप्त करें। और उनका यह भी मानना था कि वो अपने आदर्शों और मर्यादाओं को ना त्यागें। वो मानती थी कि अगर एक बार भारतीय नारी जाग गई तो भारत फिर से महान हो जाएगा। वो भारत को महान नारियों का देश भी कहती थी। उन्होंने सीता, उमा और सावित्री जैसे कुछ एग्जाम्पल्स भी बताए थे। उनकी मृत्यु अक्टूबर 1911 को भारत में हुई और उनका अंतिम संस्कार हिंदी रीति रिवाजों से किया गया। मानव सेवा ही सबसे बड़ी सेवा है। इस स्टोरी से हमें यही सीख मिलती है। फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए और भी ऐसे वीडियो